हमें ब्रह्मपुत्र के ठीक बीचों बीच भाई इधर देखो क्लियर ब्लॉग एडिट करके मैं बैठ गया हूँ खाने। और आज मैं लाया था चिकन थाली जो कि मेरे को टोटल कॉस्ट पड़ा है 150 रुपीज़ का पैकिंग के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम गुवाहाटी। कल का इंट्रो देना मैं भूल गया इसलिए आज पहले इंट्रो से शुरू करता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेकार। तो इंडिया टूर का डे 3 है ये। आज शाम तक हमारे दूसरे जो बेस्टमेट हैं वो सारे लोग आ जाएंगे। कुछ लोग फ्लाइट से आ रहे हैं, कुछ लोग बस से आ रहे हैं, जो बस कॉलेज ने प्रोवाइड किया था उस बस से आ रहे हैं। सो आज रात तक ये गेस्ट हाउस पूरा फिल हो जाएगा। हम लोग टोटल 56 लोग शायद यहाँ पर रह रहे हैं, 10 लोग किसी दूसरे जगह पर रहेंगे, पता नहीं कहाँ पर रहेंगे। और आज के डे का प्लान तो बहुत सारा है लेकिन कितना फुलफिल होता है देखते हैं, क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ आए हूँ उन लोगों का घूमने का कुछ इरादा ही नहीं है। उन लोग सुबह हम निकल चुके हैं थोड़ा घूमने, और लाइट का फोन खो गया है इसलिए वो अभी जा रहा है सिम कार्ड ब्लॉक कराने के लिए। नया फोन खरीदेगा, आईफोन 15 प्रो उसके ब्लॉक करेगा और मुझे टक्कर देगा यूट्यूब चैनल पर डाल के। सो अभी मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ा चाय वाय पियेंगे लोकल टपरी से, क्योंकि यहाँ का टाइम खत्म हो चुका है बेसिकली, क्योंकि हम 9:30 बजे तक टाइम है, हम लोग उठे 10 बजे नींद से, उसके बाद कुछ नहीं मिलता यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ का वेदर बहुत मस्त, झूठ बोलो साइड में शिलोंग है, बार बार झूठ बोलो, बर्फ बिगड़ता है कभी कभी। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं, अभी निकलने वाले घूमने। कहाँ जाएंगे वो जाने के बाद ही पता चलेगा, अभी नहीं बोलूँगा। ये लोग रेडी हो रहे हैं, ये बंदर रेडी हो चुका है बस। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी निकलते हैं। कुछ खाया भी नहीं है, बाहर जाके एक टपरी में थोड़ा चाय और थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद निकलते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, अभी लगभग 11 बज रहे हैं, अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अभी हम लोग निकल चुके हैं, अभी जाके ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद देखते हैं रात को कहाँ जाते हैं क्या होता है। आज भी गेस्ट हाउस के ठीक बाहर ही हमको मिल गया एक चाय का टपरी जहाँ पे बॉयल अंडा भी मिल रहा था, पूरी और सब्ज़ी भी मिल रहा था सिर्फ 30 रुपये में। हमारे दूसरे दोस्त लोग किसी और दुकान में गए और हम लोग इस दुकान में आ चुके हैं, मैं, निशांत और राणा। निशांत ने एक्स्ट्रा 2 अंडा लिया सिर्फ, और मैंने 2 पूरी और 1 सब्ज़ी और 1 चाय लिया है। सो अभी पूरी और चाय पी के थोड़ा नाश्ता वास्ता करके टाइट हो चुका हूँ। अभी हम लोग जाएंगे पहले जू, यहाँ से जू जाने के लिए हमको पकड़ना पड़ेगा बस। तो पहले बस पकड़ते हैं क्योंकि हमारे साथ रास्ता जानने वाला कोई है भी नहीं, तो हमको थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। हम लोग अभी बस में बैठ चुके हैं, बस में बैठ के अभी निकल चुके हैं चिड़ियाघर के लिए। A few moments later. भाई इधर देखो। बस ने पैसेंजर के चक्कर में हमको बहुत घुमाया है लेकिन अल्टीमेटली हम लोग आ चुके हैं जू में। अभी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे जू को। यहाँ पे अभी जो लोग बाहर से प्लास्टिक का बोतल या फिर पैकेट्स ले जाते हैं वो लोग यहाँ पर जमा कर रहे हैं, और एक बेसिक चेकिंग भी हो रहा है सबका। सो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। पर पर्सन एडल्ट का टिकट है 33। अगर आप स्टूडेंट हो और आप किसी प्रोफेसर या टीचर के साथ आते हो तब आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा। हम लोग ने हमारा स्टूडेंट आईडी कार्ड दिखा के डिस्काउंट लेने का कोशिश किया था लेकिन हमको डिस्काउंट नहीं मिला, बोल दे कि आपको प्रिंसिपल के साथ आना पड़ेगा। सलमान खान को बोला, डियर बाप को सलमान खान को बोला, हाथ लगा क्या इतनी दूर से देखने के लिए की तरह खड़ा है तो पानी खा
ये पैरालाइज हो गए थे बाल ऐसे रखते हैं सो अभी हम लोग जो गुवाहाटी का जू है वो घूम रहे हैं। ये जू बहुत बड़ा है। कोई लोग हॉकी का जो गाड़ी होता है उससे घूम रहे हैं, हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं। दोस्तों यहाँ एक से एक अच्छा जानवर पक्षी वो सब मिलेगा और घटिया से घटिया जानवर भी मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंट रहने के लिए और कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा नहीं करूँगा। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। खुला घूम सकते हैं उसके लिए। ऑलमोस्ट हमारा घूमना ख़त्म ही हो गया, लेकिन अभी तक राइनोसोरस नहीं दिखा, इसलिए हम लोग राइनोसोरस के पीछे भाग रहे हैं। कहाँ पर है, कहाँ पर है, ढूंढ ढूंढ के। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। हम लोग शेर देखने का बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन शेर साहब अपने गुफा से निकल ही नहीं रहे। अरे शेर मुझे देख ले भाई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर गिरीश? मैं बोल रहा हूँ की चाय दाए तमाल। सलमान खान को बोला ये कीप योर वॉइस डाउन। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। बाल जुरासिक पार्क में जो नहीं रहता है डायनासोर लेटा हुआ, इसको इंजेक्शन कैसे मारेंगे? इंजेक्शन कैसे मारेंगे इसको? डार्ट से। चल आगे चला, बेस देख, बेस। गुर, गुर। तो दोस्तों में दो होल है। अतुल इसका पैर तेरे से भरा है, तो इसका पैर तेरे से भरा है ना। ऑलमोस्ट अभी पूरा जू देखना ख़त्म हो चुका है हम लोगों का। अभी दूसरी जगह जाने का प्लान है, तो अभी वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सनसेट अभी होने वाला है और हमको सनसेट के पहले वहाँ पे जाके पहुँचना पड़ेगा। जू का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कभी भी वो राइनोसोरस नहीं देखा, जिराफ नहीं देखा, ये दो चीज़ मैं देख लिया, मेरा तो दिन बन गया भाई। यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क भी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि 11 साल के नीचे बच्चे यहाँ पर बैठे, लेकिन यहाँ पर 20-22 साल के लौंडे भी झूला झूल रहे हैं। आज मुझे थोड़ा वेज खाने का मन हुआ है, इसलिए आ गया वेज थाली खाने। यहाँ पर 70 रुपये में मुझे एक दाल मिला है, एक सब्ज़ी मिला है, कुछ एक फ्राई मिला है, आलू का भरता है थोड़ा सा, और एक चटनी मिला है। खाने के बाद डेजर्ट तो थोड़ा बनता है। गुवाहाटी का पहला मिठाई एक रसगुल्ला, और मेरे दोस्त लोग बाहर से चिकन बिरयानी खा रहे हैं, और यहाँ पर वो लोगों को 100 रुपये में एक अंडा, एक चिकन का लेग पीस और इतना सारा चावल मिला है। हम लोग जहाँ पर जाने वाले थे वहाँ पर अभी बस से जाने का कोई चांस ही नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी उबर बुक किए और उबर में हम चार लोग चढ़ के डायरेक्ट वहाँ पर भाग रहे हैं। अभी सीधा ऑलमोस्ट 4 बजे वो बंद ही कर लेगा, लेकिन अभी भी थोड़ा टाइम तो बचा है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी का तट, जहाँ पर बहुत सारे बोट्स और स्टीमर्स आके ठहरे हुए हैं, जो हमको लेके जाएगा उमानंद मंदिर की तरफ, जहाँ पर आपको जाने के लिए 40 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग लेट आए हैं, इसलिए अभी हमको 100 रुपये पे करके वहाँ पर जाना पड़ेगा। कुछ देर पहले ही हम लोगों को बोला था कि 100 रुपये लगेगा, पूरा घुमा के लेके आएगा मंदिर वंदिर सब, लेकिन अभी सडनली वो लोग थोड़ा लेट हो गया, कम लोग है इसलिए बोल रहे हैं अभी 200 लगेगा पर हेड। क्या करे, इनका मोनोपोली चलता है यहाँ पर। टूरिस्ट लोग देखते नहीं है, पैसा मारने के फिराक में होते हैं सब। वो लोग पहले सोचते कि हम लोग कम है, इसलिए हमको बोला कि पर पर्सन 200 रुपीस लगेगा, लेकिन अभी हम लोग इतना लोग है इसलिए वो लोग 100 रुपीस में राज़ी हो गए, इसलिए हम लोग देरी ना करते हुए सीधे भाग रहे हैं अभी नाव की तरफ, और सीधा चलते हैं अभी उमानंद मंदिर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से।
अभी हमें ब्रह्मपुत्र के ठीक बीचों बीच और अभी हम जा रहे हैं मंदिर पे जो कि है इस वाले आइलैंड पर। बहुत मजा आएगा क्योंकि हम बोट के छत के ऊपर बैठे हुए हैं और वो भी सिर्फ हमारा गैंग ही बैठा हुआ है। ये बिल्कुल भी कोई नदी नहीं फील हो रहा है क्योंकि सामने जो दिख रहा है वहां पर कोई एंड नहीं है, पूरा एंडलेस समुंदर की तरह लग रहा है ये। और इसी के बीचों बीच हम शायद इस टापू पे जा रहे हैं जहाँ पर मंदिर होगा। बहुत अच्छा लग रहा है ये इवनिंग टाइम पे यहाँ का व्यू। यहाँ पर अभी अभी एक बोट के लिए लोग आ रहे हैं मंदिर का दर्शन करके। यहाँ पर भी एक बोट खत्म हो चुका है और अभी हम आए हैं। लगता है कि हमारा बोट एकदम लास्ट वाला है जो कि आया है। ऑफिशियली टाइम खत्म हो गया, हम लोग ऑब्वियसली अनऑफिशियली आए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हमको सिर्फ 20 मिनट दिया गया है कि आप लोग मंदिर का दर्शन कीजिए और जल्दी आ जाइए क्योंकि हम उनको भी बहुत लेट हो रहा है। ये मंदिर बहुत ऊंचे जगह पर है क्योंकि नीचे से हम बहुत सारे पत्थर वत्थर चढ़ के आए हैं। अभी भी बहुत सारा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ऊपर भी बहुत सारा सीढ़ी है। इतना ऊपर पर तो मैंने आशा नहीं किया था लेकिन दिस इज़ सो स्वीट। वो लोग मेरे दादा दादी के उम्र के होंगे, वो लोग अपने हाथ पकड़ के एक साथ पहाड़ चढ़ रहे हैं दर्शन करने मंदिर का। ही है लाइफ, और क्या ही है लाइफ। अल्टीमेटली इतना सारा सीढ़ी चढ़ने के बाद आ ही चुका हूँ मेन मंदिर पर। ये साइड में शायद पार्वती देवी का एक मंदिर है और अभी अंदर जा रहा हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है, मैंने इतना शांत माहौल एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग भी बहुत अभी कम ही है। मंदिर के एनवायरनमेंट बहुत ही शांत है। मैं यहाँ पर और ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगा, अभी जाके मैं दर्शन करके आता हूँ और मैं दर्शन करने का टाइम कैमरा लेके नहीं जाऊँगा। सो अगर मैं वीडियो ज़्यादा नहीं दिखा पाया तो इसके लिए सॉरी। मैं हूँ उमानंद मंदिर के अंदर। यहाँ का माहौल इतना शांत है कि मैं क्या बताऊँ। चारों तरफ ब्रह्मपुत्र नदी है और बीच में एक टापू में उमानंद मंदिर है। इतना शांत माहौल कि मैं अभी सच में बोलूँ तो दिल से ब्लॉग भी नहीं करना चाहता क्योंकि इतना स्पिरिचुअल इतना शांत जगह है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो अगर आप कभी भी गुवाहाटी में आए तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करना, बहुत ही बहुत अमेजिंग जगह है ये। अभी लगभग शाम के 5 बज रहे हैं इसलिए ये जगह इतना ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम सनसेट के टाइम आते तो सनसेट होता, पूरा आसमान ऑरेंज कलर का होता, तब ये जगह बहुत और भी सुंदर लगता, लेकिन अभी कम सुंदर नहीं लग रहा। पहन रहे जूता। अभी हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि हमारा बोट छोड़ रहा है जूता, जूता। छोड़ेगा 520 को और अभी बज रहा है 518। सीढ़ी भी मार रहे हैं वो लोग, यहाँ पर सीढ़ी भी है, हम लोग गिर जाएंगे लेकिन भाग रहे हैं। अभी हम लोग निकल चुके हैं उमानंद टेम्पल से। ये 10-15 मिनट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। अभी फिर से जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से और अभी उसके बाद फिल्म देखने का प्लान है। देखते हैं कितना दूर तक जाता है आज का दिन। आज का ब्लॉग शायद बहुत लंबा होगा क्योंकि आज बहुत जगह घूमे हैं हम और बहुत क्लिप्स भी लिया है। देखते हैं कितना दूर तक होता है आज का प्लान सक्सेसफुल। वीडियो का एंडिंग करता हूँ। रात को हम अभी कहीं पर तो जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे बाजार पे, उसका ब्लॉग और नहीं खींचूंगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए।
सो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आशा करते हो आपको मेरा सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियोज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट एक छोड़ के चला जाना, उससे मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।